Hello everyone, a very good evening to you all. I hope that you all are doing well. You all are preparing for your competitive exams with say burning the midnight oil. You all have pulled up your socks to achieve your aim. I am Avinash, an advocate at Patna High Court and Supreme Court of India. Today in this video, I shall be talking about Indian Evidence Act. Indian Evidence Act 1872, about section 137 of Indian Evidence Act 1872. What section 137 says, right? If you look at section 137, then you will find that it is talking about examination in chief, right? It is talking about examination in chief. So examination, isme agar 137 mein when you go inside, then you find that it's not only about examination in chief, but also talking about cross-examination and then re-examination. So examination in chief kya hota hai? Sabse pehle isko hum log samjhenge, and then we will come down to ki what cross-examination is and then what re-examination is. Right. Say the person who calls the witness, and when he is examined by that person who has called him, मतलब जो witness को जिसने बुलाया है, आप lawyer हैं और आप ही के तरफ से आप जिसके तरफ से लड़ रहे हैं उसी के तरफ से witness को बुलाया गया है और आप उसको question करते हैं, आप उससे court में सवाल जवाब करते हैं, आप उसको examine करते हैं, उसे सवाल पूछते हैं, तो ये examination in chief है, right? और इसके बाद जो cross examination है कि आपके जो एडवर्स पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, जो अपोजिट लॉयर है, वो जब उस विटनेस को आपके पूछने के बाद जब वो उससे सवाल जवाब करता है तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, क्योंकि उसको उस विटनेस को बुलाया किसने, उस विटनेस को आपने बुलाया, और आपका जो अपोजिट लॉयर है, आपका जो अपोजिट एडवोकेट है, वो उसको क्रॉस एग्जामिन करता है. मतलब कि उसको जो भी सवाल पूछा गया है, आपने उससे पूछा है, उसी से रिलेटेड वो घुमा घुमा के सवाल आपसे पूछता है ताकि वो आपको फंसा पाए, ताकि वो आपके रिलायबिलिटी को कम कर पाए कि आप जो बोल रहे हैं उसमें वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर पाए, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू को वो थोड़ा घटा पाए या फिर खत्म ही कर पाए. तो इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन में अपोजिट पार्टी को ये लिबर्टी मिलता है कि वो आपने जिस एडवोकेट को बुलाया है, आपने जिस विटनेस को बुलाया है, उसको वो क्वेश्चन कर सकता है, राइट? एंड द लास्टली इज री एग्जामिनेशन. री एग्जामिनेशन इज डन परसुएंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन. व्हेन द क्रॉस एग्जामिनेशन हैज बीन डन, और उसके बाद जब उसके बाद दोबारा जब आप उस विटनेस को क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि देखिए, पहले आपने उसको बुलाया, आपने क्वेश्चन किया, तो क्या हुआ? एग्जामिनेशन इन चीफ. अपोजिट पार्टी ने क्वेश्चन किया तो हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन. और अपोजिट पार्टी के क्वेश्चन करने के बाद जब दोबारा आप ही क्वेश्चन करते हैं फिर से उससे, मतलब आप ही का बुलाया गया विटनेस है, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जब दोबारा आप उसका एग्जामिनेशन फिर से करते हैं, फिर से आप उससे सवाल जवाब करते हैं, तो वो चीज क्या हो जाता है? री एग्जामिनेशन. तो यही इन तीनों जो टर्म्स हैं, इन तीनों में यही मेजर जो पॉइंटर्स है वो यही है. फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि एग्जामिनेशन इन चीफ सेक्शन 137 में दिया गया है, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में. और 137 को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एग्जामिनेशन इन चीफ को डिफाइन किया गया है कि दैट द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ. द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस शैल बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, जिसने बुलाया है वही जब उसका एग्जामिनेशन करता है, उस विटनेस से सवाल जवाब करता है, तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं. और द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी, जो आपका अपोजिट का लॉयर है, वो जब करता है तो उसको हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, राइट? और तीसरा है हमारा री एग्जामिनेशन, जिसमें कि मैंने बताया कि द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस
सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद बाई द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड द री एग्जामिनेशन, मतलब कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद जिस पार्टी ने बुलाया था वही पार्टी दोबारा से उसका एग्जामिनेशन करे, देन दैट विल बी कॉल्ड एज री एग्जामिनेशन, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट एग्जामिनेशन इन चीफ एज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. आई होप दैट आई हैव मेड थिंग्स वेरी क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स. द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी देयर एंड द ओनली इंडेवर, ओनली सोल इंटेंशन ऑफ माइंड इज टू मेक लॉ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑल अक्रॉस इंडिया, राइट? जो बोरिंग सब्जेक्ट का ठप्पा लगा हुआ है लॉ पे, उसको खत्म करना है, उसको खत्म करना है. लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट? तो वही मेरा एंडेवर है. और आप लोग को जहाँ कहीं भी किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, यू कैन ईजिली मैसेज अस इन द कॉमेंट बॉक्स और ऑन द आर ऑफिशियल नंबर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, दे डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, राइट? एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट, यू कीप गेटिंग द ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन व्हेनेवर द वीडियो इज अपलोडेड, राइट? थैंक यू एवरीवन. जय हिंद.